करौली में नव संवत्सर पर निकाली जा रही मोटरसाइकिल रैली पर पथराव और आगजनी की घटना से उत्पन्न तनाव के बाद शहर में लगा कर्फ्यू आज दूसरे दिन भी जारी रहा। आज आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा, सांसद मनोज कुमार राजौरिया सहित कई अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और साथ ही शांति समिति की बैठक में चर्चा की और महत्वपूर्ण सुझाव दिए। प्रशासन को कहीं ना कहीं मालूम होता है, सब पते का मतलब प्रशासन को अपने क्षेत्र में कौन किस किस्म के लोग हैं इसकी जानकारी होती है और प्रशासन उस पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करे, इसीलिए प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करे, अपराधियों को सजा दे, निर्दोषों को सजा नहीं दे, निर्दोष नहीं फंस जाए, इसी के लिए मैं सांसद होकर भी यहाँ लगातार बैठा हूँ और लगातार प्रशासन के साथ संवाद कर रहा हूँ कि किसी निर्दोष आदमी को सजा नहीं हो जाए और दोषी बख्शा नहीं जाए। सर, आपने निरीक्षण भी किया, कितना नुकसान का आकलन है? काफ़ी दुकानें चली हैं और उन दुकानों में क्षति हुई है, चूँकि पट्टियों की थी तो काफ़ी वो मकान भी ऐसे हो गए, उस पर भी मुआवजे के लिए हमने सर्वे करवा लिया है, उस सर्वे की रिपोर्ट मंगवा ली है कि कितने स्थायी रूप से वो जो बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है और जो उसमें सामान का नुकसान हुआ है उनको अधिक से अधिक मुआवजा मिले, इस पर प्रशासन से हमारी चर्चा हो गई है। नहीं, जो हुई थी उसको ही बुझाने की कोशिश की। काफ़ी लोग, करीब 30 लोगों को उन्होंने उसी समय मौके पे अपने कब्जे में भी लिया, जिसमें एसपी साहब ने जो मुझे बताया उसमें 13 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी ले ली, उन्होंने 13 को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा तुरंत 1.5 घंटे के अंदर ही हमने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया और कर्फ्यू को फोर्सफुली लगा भी दिया है। कर्फ्यू से रिलेटेड जो व्यवस्थाएं करनी थी, जैसे आज छोटी मोटी रोजमर्रा की, उसके लिए भी हम डायरेक्शन जारी कर रहे हैं। कल चूंकि बोर्ड के एग्जाम्स हैं, उसके लिए भी लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए भी हम आदेश जारी कर रहे हैं। कल शाम को ही हमने प्रेस से ब्रीफिंग भी कर ली थी और रात को दोनों पक्षों के लोग, ताकि सौहार्द बना रहे और आपस में भाईचारा पुनः पनपे, इसके लिए सब लोगों से बातचीत की। इसके संबंध में कल एक साहब ने टीम गठित कर दी है, सर्वे करवाया जा रहा है, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी जी। और दोनों पक्षों में आपसे खराब की स्थिति हुई थी कल, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था, उसके संबंध में दोनों पक्षों के कई लोगों को अपने डिटेन भी किया गया है और आगे जो भी अग्रिम कार्रवाई है आगे की जाएगी। और इसमें यही है कि दोनों पक्षों के जो भी मुलजिम हैं उनको खिलाफ जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके